गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हाँ तुम सारे ठीक हो गए। अज फिर साड़ी लोक अदालत सी, पूरी कोशिश रही कि जिन्हें भी केस लगे हुए ने उन्हां चो वध तो वध असी पैचअप करवाइए। असी कामयाब भी होए, दो तो तीन केस दा अज पैचअप करवाया वे। कुछ लोगों ने टाइम मंगया पर साड़ी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि साड़ी कमीशन जिन्हें भी केस लगते ने उनके काफ़ी हद तक टाइम मेरा काउंसलिंग लग जाता है। उन्होंने समझाने कि रिश्तों का मोल की है, जीवन कितना छोटा है, पेरेंट्स की जगह की है। और तुसी शादी का जो रिश्ता है एक रस्सी की तरह है, खिंचते रहते हो जो थोड़े खिंचते हाथ हथ लाल हो जाते हैं और बाद चो रस्सी टुट जाती है। उस तरह ही है, यही चीज़ साडे संबंधा उत्ते लागू होंगी है। जो छोटी छोटी गल से तुसी खिंचना शुरू करते हो और पानी च मधानी मारते हो, आर्गूमेंट्स होंगे ने, सोशल मीडिया से चल रही लाइफ नू फॉलो करन दी कोशिश करते हो, एक दिखावे वाली जिंदगी नू भी फॉलो करन दी कोशिश करते हो, तो रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। पर मेरी कोशिश यही ही जारी है, आज लाइव आन का जड़ा एक परपज़ है, सोशल मीडिया से चल रही एक वीडियो जी वायरल हो रही है, एक लड़की साड़ी बच्ची पंजाब की जिन्हें अमेरिका सुसाइड किया, और मैं एक वीडियो देखिया जिंदे च उनका हसबेंड उन्हें इन्ना ज़्यादा गंदा अब्यूज कर रहा है कि तू दो बेटियां ने बेटा नहीं पैदा किया। इन लॉज जड़े इत्थे पंजाब विच रहिंदे ने, डोमेस्टिक वॉयलेंस इन्नी कु कीती गई है कि हर हद पार कर दिती गई। किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया से वायरल किया, साड़ी भी नज़र च साड़ी बच्चिया ने अज दमन जीत कौर और एक हरनीत कौर उन्होंने दो बच्चिया ने मेरे ध्यान च है जो कि सोशल मीडिया से जुड़िया हुई ने उयो काम कर दिया ने, उन्होंने मेरे ध्यान च मैटर लेके आया कि मैडम इस तरह कई बार साड़ी नज़र नहीं पैंदी कि इहो जे साड़ी बच्चिया के नाल जाती हो रही है। पर मेरी कोशिश रहिंदी है कि साड़ी मेरे कानून च इक्वालिटी होवे, किसी दे नाल भी जाती ना होवे। पर अज इस वीडियो नू देखदे होए कि इंसानियत दी हर हद पार कर दित्ती उस बच्ची ने, अपनी लाइफ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लीती, दो मासूमा कोलो मां खो लीती गई और उनके हसबेंड ने इन्नी बुरी तरह अब्यूज किया। असी इन कड़ी तो कड़ी कार्रवाई करांगे। अज पंजाब छड़ के घरों ते चाहे नठ गए होंगे उनके इन लॉज, पर असी सरकार नू लिखांगे, पुलिस डिपार्टमेंट नू लिखांगे कड़ी तो कड़ी कार्रवाई। उनके इलावा असी बार अंबैसी USA नू भी लिखांगे अमेरिका च। मैं भारत सरकार नाल कॉन्टैक्ट करके इस मुद्दे नू जरूर चुकांगी। और हुण सैशन चल रहा है, मैं चाहनी हाँ कि तुसी इस वीडियो नू इन्ना वायरल करो कि साड़ी बच्ची जड़ी अमेरिका च जिन्हें सुसाइड किया कि उनके नाल इन्नी ज़्यादा वाहियात, उन्हें अपने आप नू अंजाम मौत तक लै गई, इन्नी ज़्यादा दरिंदगी की गई, इन्ना ज़्यादा अब्यूज किया गया कि वो वीडियो जो जड़िया गाला कढ़ रहे हैं कि अमेरिका जे खुजे कंट्री च रह के तुसी फॉरन कल्चर नू अडॉप्ट करन दी कोशिश करदे हो, और इन्नी वाहियात उस बंदे नू कड़ी तो कड़ी सज़ा देनी चाहिए। असी अपील करांगे। नाले मैं चाहती हाँ पार्लियामेंट च भी इस टाइम जो सैशन चल रहा है तो यह प्रश्न कोई ना कोई साढ़े पंजाब तो चाहे वह MP राज्यसभा दे ने चाहे लोकसभा दे ने इस मुद्दे नू जरूर चुकन, ताकि बाहर दी भारत सरकार थ्रू साड़ी स्टेट गवर्नमेंट भी इस मुद्दे नू बाहर दी गवर्नमेंट नू भी लिखे कि उन्हें कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए और उस बच्ची की आत्मा नू शांति मिले। और वापस असी उन्हें वापस तो नहीं लिया सकते, पर असी जो काम अपना कर सकते हैं वह तो करिए, ताकि दूजिया लैसन बन सके कि मुंडिया और कुड़ियों च भेदभाव किया जाता है, और जे उन्हें मुंडा पैदा नहीं किया ईश्वर की देन है उनके लिए, एक औरत दे नाल जिन्हों की असी माँ का रूप दिता है उनके नाल इन्नी हद तक वायलेंस की गई कि उन्हें अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। उम्मीद करती हाँ कि तुसी ए वध तो वध इस चीज़ नू अगे लैके जाओगे, ताकि साड़ी उस बच्ची नू इंसाफ मिल सके। बाकी कानून अपना काम करेगा, साड़ी इस मामले ते बड़ी पैनी नज़र रहेगी। मैं अपना पूरा फर्ज ईमानदारी नाल निभावांगी। मैं ए सब वादा करती हाँ पूरे पंजाब नाल, पूरे पंजाब दी बेटियां नाल, कि असी इस बच्ची दे नाल पूरा इंसाफ करवावांगे, चाहे सानू कुछ भी करना पए। दूसरा, मैं सोशल मीडिया से जदों भी मैनू मौका मिलता है मैं लाइव आनी हाँ किसी भी मुद्दे नू लैके। मेरा मकसद एक ही रहिंदा है, मैं जदों भी पेज अपना खोलदी हाँ कोई ना कोई एक अद्धा कमेंट मेरी नज़र आ जाता है लोगों का, कहिंदे ने कि साडा फोन नहीं तुसी रहिंदी हाँ, कि साडे कोल स्टाफ भी घट हैगा, साडे कोल प्रैशर भी बहुत ज़्यादा हैगा।
पर एक गल कहना चाहनी हां कि सोशल मीडिया ते असी किसी भी कंप्लेंट दा स्टेटस नहीं दे सकते। तुसी जो भी तुहानू अपनी कंप्लेंट दा स्टेटस है, क्योंकि साडे कोल कोई भी कंप्लेंट पैनिशा गुलाटी दी वी कि एक रसोई चो निकल के 92 च पंजाब च टेररिज्म खत्म होया, उस तो पहला दी मैं पंजाब च आई हुई हां जदों 4 बजे लाइटां बंद कर दित्तियां जांदियां सी कि रोटी भी मोमबत्ती जला के। मनीषा गुलाटी ने वह वक्त देखिया, तो मनीषा गुलाटी नू मशहूर होने वास्ते किसी दे हंजुआ दी जरूरत नहीं हैगी। मनीषा गुलाटी नू मशहूर तां 2011 च पोलीटिशना ने करता सी, जिहड़े कहिंदे सी कि सत्ता साडे प्यो दी, उन्होंने ही मशहूर करता सी। ते मैनू मशहूर होने वास्ते वीडियो बनाउण दी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ते वक्रे वक्रे मुद्दियां नू लिया के तुहानू अवेयर करन दी, कुड़ियां नू कॉन्फिडेंस च लियाण दी, क्योंकि अज भी बेशुमार कुड़ियां इदां दियां हैगियां ने जिहड़ियां समाज दे डर तो, इज्जत दे डर तो अपनियां शिकायतां नू अपने अंदर घोट के बैठियां होईयां ने, दोहरी जिंदगी जी रहियां ने, दोहरी जिंदगी समाज दे डर तो जी रहियां ने। 90% औरतां और मर्द दोहरी जिंदगी जी रहे ने समाज दे डर तो, अगे नहीं आ रहे, बच्चियां सुसाइड कर रहियां ने, मर्द डिप्रेशन ने जा रहे ने, बंदियां दी सुनवाई नहीं हो रही, कंप्लेंटा रिवर्स हो रही ने, कुड़ियां हरास कर रही ने, मुंडे झूठ बोल रहे ने, हर तरह का प्रेशर है। जे किसी नूं फिर भी लगता है कि मनीषा गुलाटी मशहूर होने लई वीडियो बनाती है, तो प्लीज कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस आओ, एक दिन आके मेरे नाल बैठो, मेरी जड़ियां फाइलां पईयां होईयां ने उन्हां नूं तुसीं निचोड़ोगे ते उंद चों तुहानूं हंझू ही लब्भणगे। ओह लैके अपने घर जाओ, आओ बैठो कमेंट करन दी बजाय। पर फिर भी तुहाडे कमेंट, तुहाडे जिन्ने भी तुसीं कमेंट करदे हो मेरी हौसला अफजाई, वह भी कमेंट वधांदे ने। मैं तुहाडे उस जज्बे नूं भी सलाम करदी हां, क्योंकि मेरा मनना है कि जिहड़े लोग इहो जिहे कमेंट भी करदे ने, हो सकदा है उन्हां दा पास्ट दा कोई एक्सपीरियंस माड़ा रहा होवे, उन्हां दे नाल ना इंसाफी हुई होवे, उन्हां दे नाल सुनवाई ना हुई होवे, शायद वह तां करके एक नैगेटिव थॉट प्रोसैस लिया के कमेंट कर देंदे ने। पर मैं फिर भी उन्हां दे जज्बे नूं, क्योंकि उन्हां दे इदां दे कमेंट भी मेरी हौसला अफजाई करदे ने, मैनूं मोटीवेट करदे ने। मेरा यह जिहड़ा मिशन है, क्योंकि मैनूं अपनी हर पंजाब दी धी च, मां च, मर्द च, भरा प्यो नज़र आंदा है कि इन्हां दे नाल इंसाफ होवे। मैं अपना जीवन जिहड़ा जीना सी, एक दर्दनाक स्टोरी है, किसी दिन तुहानूं सुनावांगी कि एक रसोई चों निकल के एक आम औरत जिहड़ी यूपी चो आई सी, ओ पंजाब विच आतंकवाद जदों खत्म होया, उस तो पहला जो उन्दे नाल आप बीती, उन्हूं पंजाब दे रिचुअल समझ बैठी कि शायद ए पंजाब दा रिवाज है। ज्यो ज्यो समय आंदा गया और मेरे अपने और गैर जो मैनूं ठोकरां नाल सिखांदे गए, उन्होंने मैनूं इस कुर्सी ते लिया के बिठा दिता। पर मेरा मिशन अज भी उही होई है कि मैं कानून च इक्वालिटी लैके आवां, औरत दे नाल मर्द नूं भी सुनिया जाए और मेरी बच्चियां दे नाल इंसाफ होए। और घट तो घट जब तक मैं इस कुर्सी ते बैठी हुई हां, मैं किसी नूं भी क्रिटिसाइज नहीं करती, मैनूं सिर्फ अपने काम नाल मतलब है। मैनूं इह नहीं पता कि अज तो पहले पंजाब स्टेट वीमेन कमीशन 92 दा बनिया होया है, की होया की नहीं होया, मैनूं सिर्फ अपने काम नाल मतलब है। मैं जदों तक काम करती रहूंगी किसी भी फील्ड च, कमीशन च, राजनीति च, मैनूं सिर्फ अपने काम नाल कंसर्न होएगा कि मैं अपना की बेस्ट पब्लिकली दे सकती हां, किन्नी को मनीषा गुलाटी होर तैयार कर सकती हां। अज दे टाइम ते पेरेंट्स अपने बच्चों नूं सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स पार्शल हो जाते ने, बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते ने, पार्शैलिटी घर च कि कुड़ियां मुंडे अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देंगे ने। ते मैं इन सब चीज़ों सपोर्ट नहीं करती कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मावां भी पार्शल नहीं होना चाहिए, हर बच्ची नू स्ट्रोंग होना चाहिए। तुसीं फ्रेंड्स बनाओ, कॉन्वेंट च बच्चे पढ़ते ने, मुंडिया नाल पढ़ते हो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, तुहानू पूरी फ्रीडम है, तुसीं जो मर्जी पाओ, घूमो फिरो, पार्टियां करो, पर अपनी बाउंड्री ना क्रॉस करो, अपने पेरेंट्स नू कमीशन थाना कचहरी ना दिखाओ, अपनी बाउंड्री खुद फिक्स करो, अपनी आइडेंटिटी नाल प्यार करो। जीवन बहुत छोटा है, जिस दिन इंसान नू ह्यूमन नू एक ऐ समझ च आ गया कि सड़क ते घूमदा आया जानवर जानवर क्यों है और मैं इंसान क्यों हाँ, कोई ते अल्टीमेटली सुप्रीम पावर है जिन्ने ऐसा वे सृष्टि दी रचना कीती, जिन्ने ऐसा माया रची हुई है कि सानू क्यों इंसानी रूप मिलिया और जानवर नू क्यों जानवर दा रूप मिलिया। मेरा मिशन इक्को ही है। उम्मीद करदी हां कि तुसी हमेशा दी तरह मैनू सपोर्ट करदे रहोगे और उस बच्ची लई आवाज़ चुकांगे, और उम्मीद करदी हां तुसी मेरा जिहड़ा अज दा मैसेज है वध तो वध शेयर करोगे। थैंक यू, जय हिंद।